मुझे ये बोला था कि मनोज डेट कर गया, आग लग गया फैक्ट्री में। अच्छा, हम उनका बताएं। हाँ, कितना पहले दिन गया था? 5 महीना हो गए। क्या कह के गए थे कि यहाँ से फिर लौटेंगे? हाँ, बोले कि मिल के गया, बोला कि आएंगे बैसाखा में। हाँ, लेकिन फिर नहीं है। फिर नहीं, उसका टिकट अगला 12 तारीख के टिकट था। तो पता हुआ कि विलास रविदास का बेटा आग से जल करके और आंध्र प्रदेश में किसी फैक्ट्री में एक्सपायर कर गया है। जब हम उनके घर पर आए तो लोग रो कनकलप रहे थे। यहाँ पूर्ण कन्फर्म हुए कि एक और टुन्नी रविदास का बेटा है जो अधजला है और इनका बेटा एक्सपायर कर गया। उसके साथ और कई लोग हैं जो इधर उधर के हैं, यही जानकारी हमको मिली। कितने लोग हैं यहाँ से? 4 लोग हैं यहाँ से। 4 लोग हैं वहाँ। क्या हालत है अभी? 2 तो ठीक हैं, एक पिंटू रविदास है वो भी ठीक है, और एक टुन्नी रविदास का लड़का है सूरज, वो भी ठीक है। कारी हम सोते थे तो है 10 बजे 11 बजे रात, 10 बजे 11 बजे रात के मैंने हल्ला हुआ थोड़ा देर पहले, लेकिन हमको मालूम नहीं था। लेकिन टुन्नी वही उठाइन तो कहीं कि जो उठा ना तब कुछ पास फोन अलो है। हम कह नहीं बबू हमारा तो नहीं, तब फैक्ट्री में आग लग गल जे हमारा बेटा तो जल गलो है और हम जल गलो हमारा बेटा जो उठो तिरलको बाहर। तो हम पूछा कि हमारा बेटा पिंटू तो कैसे बाबा जे तो अध्यक्ष चाह नहीं मिल रहा खून है जे आग के लपेट अभी पूरा हको तू ठंडो तो जाके खोजबो। वही आधा घंटा के बाद हम पूछे कि पिंटू मिला तो कहीस कि हाँ बाबा की कहियो जे पिंटू चा अवधेश बाबू नहीं है। कब गए थे यहाँ से? यहाँ से 4-5 महीना हो गए थे। कितने लोग यहाँ से गए थे? 4 लोग। आग लगने पर उनको मिला सूचना कि वहाँ आग लगी है, उसके बाद वही हम सुने, उसके बाद आकर के इन्हें भी कहें और सुनाया सब कि हमको भी सुने भाई, हमको और आदमी सुने कि मार भी क्यों गए। बाकी हम लोग तो फोटो टू पर देखे हैं। आपके गांव से कई बजे? हमारे गांव से 4 बजे गया है और 2 शिफ्ट में एक था, 2 शिफ्ट में। अच्छा, जिसमें बच्चे का क्या हालत है? हमारा बच्चा के हालत मैंने समझिए स्थिति दयनीय है। अब घटना तो कहीं बोलिए रे कि 4 बजे बल फोन कैलक मामा, तो फोन कैली बल देखिन हमार भैया कैसे ऐसे डेट देखा कर लो हबर के हम कल वाला में रहा लो तो आग लग गई कैसे बाबा। और हमने को तो का दुख देखे हमारी परेशानी बेटा, देखो बहन बेचारी जुआन बोझा दैली के नहीं माते भी खुल के कमाई के है सकती बेटा। तो अभी इनकी मारी पहले? हाँ, सालों नहीं लगले अभी, सालों ले लो है बेचारी, साल भर रिया किया के बेरामी हली तो वो मर गई। और 4 भाई हले, अब 4 भाई ने 2 गो एक गो रह ले। अभी जानकारी लेने के लिए हम लोग आए थे यहाँ मृतक के घर पे। आंध्र प्रदेश में जो ब्लास्ट हो गई है उसमें हमारे यहाँ के रामसंग के एक फैमिली का परिवार का एक लोग मृतक में है, तो उनकी हम इंस्पेक्शन के लिए आए थे कि सत्यापन कर लिए हैं कि यहीं का मृतक है। बस आगे की कार्यवाही सरकार के निर्देश पर और जिला प्रशासन के निर्देश पर की जाएगी। कितने लोग हैं? अभी तक जो सूचना है 2 लोग हैं, एक रामसंग का है और एक बसनियामा ग्राम का है। सर, आंध्र प्रदेश के एलुरु में जो केमिकल फैक्ट्री में जो दुर्घटना हुई है उसमें मृत होने वाले में जिला के भी कुछ व्यक्ति शामिल हैं, इस संबंध में जिला स्तर से आगे के लिए क्या पहल की जा रही है? एलुरु में जो दुखद घटना हुई है उसमें इस जिले के 4 लोगों की मृत्यु की सूचना है और एक व्यक्ति अभी तक हम लोग को सूचना मिला है कि वो घायल हैं और वो इलाजरत है। तो सभी जो 4 व्यक्ति हैं उनके घर वालों से हम लोगों ने संपर्क किया है। पहले कारू रविदास जी हैं जो हबीबपुर चक गांव के हैं, गंगौरा पंचायत चंडी प्रखंड के हैं। सुभाष रविदास जी हैं हबीबपुर चक गांव के, गंगौरा पंचायत चंडी प्रखंड। मनोज कुमार जी हैं रामसन हरनौत के और अवधेश रविदास जी हैं बसनियामा हरनौत के। इन लोगों की सूचना मिली है। इसके अलावा मुमारी पासवान जी हैं जो चंडी के हैं, जिनके घायल होने की सूचना मिली है। तो सभी लोगों के परिजनों से प्रशासन के लोग लगातार संपर्क में हैं और बिहार सरकार की तरफ से भी वहां पर बात किया गया एलुरु में। मेरी भी एलुरु के कलेक्टर से बात हुई है और हम लोग जिनकी मृत्यु हो गई उनके पार्थिव शरीर को वापस लाने की व्यवस्था कर रहे हैं।
साथ ही जो इंजर्ड लोग हैं उनके इलाज की व्यवस्था सरकार लगातार बात करके वहाँ पर सुनिश्चित करा रही है। रेसिडेंट कमिश्नर ऑफिस दिल्ली से भी लगातार इसमें कोऑर्डिनेट किया जा रहा है और हम लोग उनके पार्थिव शरीर को उनके घर तक पहुँचाने की व्यवस्था करवा रहे हैं।